हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यू लर्न में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई आर्क दिया हुआ है तो उसका हम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज कि ये हमारे पास एक आर्क है और हमको इस ए बी सी आर्क का सेंटर मालूम नहीं है, तो इसका सेंटर मालूम करने के लिए हम इस आर्क पे दो कोर्ड बनाएंगे, कोर्ड ड्रॉ करेंगे कोई भी। ये हमारा कोर्ड हो गया कोई ई एफ या जी एच। अब हम इस ई एफ और जी एच कोर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, तो हाफ से ज्यादा लेके हम आर्क एच से दोनों तरफ ड्रॉ किए और जी पॉइंट से भी हम दोनों तरफ आर्क ड्रॉ किए और एफ से दोनों तरफ आर्क ड्रॉ किए और ई से भी दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर दिए। अब हम इस दोनों कोर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करने के बाद हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है दोनों बाइसेक्टिंग लाइन के मदद से। तो ये जो हमारा हमें ओ पॉइंट मिला, यही हमारा सेंटर हो गया इस आर्क का। तो अगर आपके पास कोई सर्कल भी अगर दिया हुआ रहे और जिसका हमें सेंटर मालूम नहीं हो, तो उसमें भी हम यही मेथड का यूज करते हैं। उसमें भी हम दो कोर्ड इस सर्कल में बना देंगे। ये हमारा ए बी कोर्ड हुआ और ये पी क्यू। अब इस दोनों कोर्ड को बाइसेक्ट कर देंगे हाफ से ज्यादा लेके। बी पॉइंट से भी हम इसे करेंगे। अब इस दोनों कोर्ड को बाइसेक्ट कर दिए, तो हमें तो इस बाइसेक्टिंग लाइन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यही हमारा इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।